हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहे उनको भी ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी ही आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर परसेंटेज जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर बहुत ही कमाल का जैनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहां पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईज़िल अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ़ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी आई है या या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें हैं और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94% परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोटी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल

तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तो तो एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी आई है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें हैं और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94% परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की, की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी ही आई कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर ले कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी ही आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली ही देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम डोरेशन रखी गई है एंड ये टाइम डोरेसन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जैनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल

तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर परसेंटेज जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम डोरेशन रखी गई है एंड ये टाइम डोरेसन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जैनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहां पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिल अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें हैं और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94% परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज सी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर ले कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरता बात तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी अनंत वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथ आई है बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें हैं और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94% परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942, फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर ले कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई या आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज चाहिए जो कि स्टडीज के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनंद वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी एम रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी ही आई कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सके हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए hmm. तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली ऑलरेडी देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम डोरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम डोरेशन रखी गई है एंड ये टाइम डोरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है इजीली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट like लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली ही देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज थी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज सी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जैनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी कुछ कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी जो कि स्टडीज के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें हैं और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94% परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज सी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी अनंत वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनंद वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानव से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से यहां पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके तो से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके तो से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942, फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहां पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोटी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल आप लोग इसे देख सकते हैं पर। पर जी हाँ, ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी तो ये बहुत अच्छी है, आप लोग एक कुछ ना कुछ, कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज चाहिए जो कि स्टडीज के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली ही देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जैनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिल अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली दे देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें हैं और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94% परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज सी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942, फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी अनंत वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोटी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर एंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है। आप लोग एक मरता इसे इंजॉय कर ही सकते। जी, अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज चाहिए जो कि स्टडीज के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनंद वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग रे जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या कि बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहां पर मिशन कश्मीर करीब 1942, फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा इंजॉय कर ही सके हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज चाहिए जो कि स्टडीज के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहां पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ़ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या? या बस एवरेज सी और रिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली ही देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विदु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को, को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोटी टू आ लव स्टोरी परिंदा खामोश सज़ाए मौत ये सारी मूवीज़ उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल

तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जी नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर Google के यूज़र्स की जानब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को Google के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज सी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किस में जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर ले कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहां पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा तो यह बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक तो इसे मरतबाजॉय कर ही सके हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज चाहिए जो कि स्टडीज के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फ़ेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज़ से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनंद वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी ही आई यहाँ बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनर क्या था और टाइम डोरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज ही यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जैनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942, फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकें हेलो जी अगर आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ न्यू ढूंढते रहते हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ चाहिए जो कि स्टडीज़ के रिलेटेड हो उसमें कुछ नयापन हो कुछ अच्छा और कुछ यूनिक कंसेप्ट हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जो वीडियो जो मूवी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें आप लोगों को ना सिर्फ एक अच्छा और यूनिक कंसेप्ट मिलेगा बल्कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए भी चुनी जा चुकी है तो हाँ ये काफ़ी अच्छी मूवी होगी मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ तो ये मैं किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जी ट्वेल्थ फेल के बारे में कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये मूवी कैसी है बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके और हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके तमाम दोस्त इस तरह की मूवीज से आगाह रहें उनको भी ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी जी हाँ यहाँ पर ट्वेल्थ फेल के बारे में बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे जी विक्रांत मैसी देखने को मिल जाएंगे मेधा शंकर देखने को मिलेंगी आनन्त वी जोशी देखने को मिल जाएंगे अंशुमान पुष्कर देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट की है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है आई या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आई रेटिंग रखी गई है तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है जी हाँ इस मूवी की आई रेटिंग है जी नाइन आउट ऑफ टेन जो कि बहुत अच्छी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से जो परसेंटेज है वो कितनी है तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर परसेंटेज तक जो लाइक किया गया है वो है जी 94 परसेंट जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक चांस डेफिनेटली डेफिनेटली दे सकते हैं और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इसका जैनल क्या था और टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही डिसेंट सी और बहुत ही एवरेज सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रखी गई है एंड ये टाइम ड्यूरेशन तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा एवरेज सी है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी भी लगी बट उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जेनर की किसमें जेनर क्या है हमें हम इस इसमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, क्या? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस सीरीज़ की इस मूवी की यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो थी यहाँ पर इसका जेनर तो बहुत ही कमाल का जेनर है इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक कॉमेडी एलिमेंट भी देखने को मिलेगा एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इमोशन वाली मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ को इमोशन वाला रखा गया है इमोशनल मूवी है एंड आप लोग लिटरली इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट भी हो जाते हैं ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है और इस मूवी की हम कहाँ पर बात कर सकते हैं क्या हम फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं या नहीं तो हाँ कंप्लीट फैमिली वाली मूवी है आप लोग इजीली अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है और इसमें आप लोगों को एक अच्छा लेसन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ हूँ बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर संभाली है जी बहुत ही अच्छे तरीके से विधु विनोद चोपड़ा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज दी हैं ट्वेल्थ फेल शिकारा ब्रोकन हॉर्सेज उसके साथ साथ यहाँ पर मिशन कश्मीर करीब 1942, फोर्टी टू लव स्टोरी परिंदा खामोश सजाए मौत ये सारी मूवीज उन्होंने दी हैं, जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं, एंड आप लोगों को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि ये मूवी अभी फाइनली किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं जी लाजमी से जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा ये अवेलेबल है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इसे देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉट स्टार पर जी हाँ ये वहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है आप लोग लाजमी से जाइए और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा तो ये बहुत अच्छी मूवी है आप लोग एटलीस्ट एक मरतबा तो इसे इंजॉय कर ही सकते